अच्छा, हमने पिछली क्लास में डिक्लाइन इन पॉवर्टी ये लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे, उसके बाद रूरल अर्बन सिनेरियो, मतलब कि ये बता रहे हैं कि ज्यादा पॉवर्टी रूरल एरियाज में होती है क्योंकि वहां पे बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती किसी भी टाइप की। ठीक है, रूरल एरियाज में लिटिल जॉब अपॉर्चुनिटीज। ये बता रखा है इंडिया में लगभग 70% लोग जो भी गरीब हैं वो रूरल एरियाज में रहते हैं। ठीक है, ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं स्टैटिस्टिक्स, ये याद रहनी चाहिए तुम्हें। फिर उसके बाद रूरल एरियाज में भी, लेकिन हमने एक पीरियड देखा था 7-8 साल का, 2003 से 2011 तक, जिसमें इंडिया में बहुत तेजी से पॉवर्टी डिक्लाइन हुई रूरल एरियाज में भी। अच्छा, यहाँ पे रूरल एरियाज में कैसे डिक्लाइन हुई, ऑलमोस्ट 42% से 25.7%, ऑलमोस्ट 26% तक, और रूरल और अर्बन एरियाज में 25.7% 2004 के आसपास ईयर में थी, वो 13.7% पे डिक्लाइन हो गई। अब ये एक ट्रेंड बता रहे हैं कि अक्सर होता क्या है कि जो भी पुअर पीपल हैं ये माइग्रेट करते हैं टू अर्बन एरियाज। ठीक है, वो किसी काम की तलाश में अर्बन एरियाज जाते हैं और वहां पे भी अनफॉर्चुनेटली उनको जॉब्स नहीं मिल पाती है। तो इससे क्या होता है कि रूरल एरिया से यहाँ पे ना पॉवर्टी तुम्हारी कम होती है और अर्बन एरियाज में पॉवर्टी तुम्हारी इंक्रीज होती है। समझे बात को? बस इतना यहाँ पे ये बता रहा है कि पिछले कुछ सालों में पुअर पीपल जो अर्बन एरियाज में है वो बढ़ते जा रहे हैं, रूरल एरियाज में घटते जा रहे हैं। उसका लॉजिक यहाँ पे बता ही रखा है कि रूरल एरिया से गरीब लोग अक्सर अर्बन एरिया में जाते हैं और फिर अर्बन एरिया में भी अनफॉर्चुनेटली उन्हें काम नहीं मिल पाता कई बार, तो अर्बन एरिया में गरीब लोग बढ़ने लगते हैं। फिर सोशल ग्रुप्स, कुछ कुछ हमारे देश में लोग हैं जो कि ज्यादा गरीब होते हैं बाकियों से, जैसे कि एससी शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब्स या फिर ओबीसी, ये थोड़ी सी ज्यादा हमेशा से गरीब रहे हैं। तो ये जो हमारे एससी एसटी ओबीसी हैं दे अकाउंट फॉर 80% ऑफ रूरल पुअर। ठीक है ना, अक्सर इनके पास कोई जमीन वगैरह नहीं रहती थी आज से हमेशा से, तो ये उस वजह से भी अक्सर गरीब रह जाते हैं। आज से बहुत सा पहले तक इनकी एजुकेशन वगैरह नहीं हो पाती थी, तो जब एजुकेशन नहीं हो पाती थी तो ये इनके जो पिछली जनरेशन थी वो गरीब रह गई थी, तो जनरेशन से मतलब गरीबी से निकलने के लिए फैमिलीज को अक्सर बहुत जनरेशन लग जाती हैं, तो ये लोग अभी भी काफी हद तक पीछे ही हैं। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ बोथ इनकम पॉवर्टी एंड अदर इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज एजुकेशन हेल्थ एटसेट्रा, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो सबसे नीचे रहते हैं। ठीक है ना, शेड्यूल ट्राइब्स आर एट द बॉटम। तुम्हारे अलग अलग होते हैं एससी एससी शेड्यूल्ड कास्ट, फिर उसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब अक्सर जो जंगल वंगल में लोग रहते हैं और वो इस टाइप के लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, और या फिर दूर कहीं दूर दराज गांव में जो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो वो अक्सर शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेज वगैरह में भी वो बात बात नहीं कर पाते, तो उनके लिए बिल्कुल ही किसी भी टाइप की
जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी नहीं, कोई भी आदमी अगर अलग लैंग्वेज में भी बात करे, रीजनल लैंग्वेज में भी बात ना कर पाए, ठीक है ना। मान लो अगर कोई बंगाल में आदमी रहता है, ठीक है, और वहां पे बंगाली बोलनी आनी चाहिए, ये नहीं है तो एटलीस्ट हिंदी आनी चाहिए, एटलीस्ट इंग्लिश तो आनी चाहिए, इन तीन में से कोई एक लैंग्वेज तो आनी चाहिए। लेकिन अगर कोई वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब है, मान लो वो अपनी कोई लोकल लैंग्वेज बोलता है शेड्यूल ट्राइब्स की, तो जो आदमी ये तीनों लैंग्वेज भी ना बोल पाए उसको क्या ही काम मिल सकता है? कुछ वो छोटा छोटा मोटा अपना खुद का काम करेगा, लकड़ी वकड़ी काट के लाए जंगल से, उसको बेचे। तो एसटी सबसे सबसे पीछे है। तो जितने भी इंडिकेटर्स हैं हमारे, जैसे एजुकेशन, हेल्थ वगैरह, इन सब में शेड्यूल ट्राइब्स ही सबसे पीछे रहते हैं। इसके बाद इंटर स्टेट कंपैरिजन, कुछ कुछ हमारे स्टेट्स सबसे पीछे हैं, जैसे कि उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब सबसे गरीब स्टेट्स हैं इंडिया के। कुछ स्टेट्स की पॉवर्टी काफी कम है, जैसे कि पंजाब में, हिमाचल में, यहाँ पे पॉवर्टी रेशियो बहुत कम है रिलेटिवली। इसका रीजन भी तुम्हें समझ आना चाहिए। पंजाब में जो एवरेज लैंड साइज है पर फार्मर, वो अप्रोक्सीमेटली 3.5 हेक्टेयर पर हाउस होल्ड है, ठीक है ना, पर फार्म हाउस होल्ड। लेकिन ये तुम्हारा बिहार में 0.4 हेक्टेयर के आसपास कुछ है। तो बात तुम्हें समझ आनी चाहिए कि बिहार में लोगों के पास इतनी छोटी जमीन है तो वो अक्सर गरीब रह जाते हैं, ठीक है। पंजाब में जितने भी फार्मर वगैरह हैं उनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, तो वो एक ठीक ठाक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी जाते हैं, क्योंकि उनके पास बड़ी जमीन है तो वो ज्यादा उसमें खेती वगैरह कर सकते हैं। बिहार में लेकिन बहुत छोटी जमीनें हैं, तो मैक्सिमम जो बिहार के फार्मर्स वगैरह होते हैं वो बहुत गरीब होते हैं। उसी तरह से अगर देखो फार्मर्स के पास ज्यादा जमीन है, ठीक है, तो दे कैन एम्प्लॉय मोर लेबर, समझे बात को। अगर पंजाब में लोगों के पास ज्यादा बड़ी जमीनें हैं तो वहां पे ज्यादा लेबर भी तो एम्प्लॉय कर सकते हैं वो हार्वेस्टिंग या सोइंग के टाइम पे, तो वहां पे ज्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी हैं पंजाब में। बिहार में अगर लोगों की खुद की जमीन इतनी कम है तो वो और किसको क्या एम्प्लॉय करेंगे लेबर को। तो बिहार में बहुत ज्यादा गरीबी है, पॉवर्टी किस वजह से भी है। उत्तर प्रदेश का भी सेम हाल है, उड़ीसा का भी सेम हाल है, इनफैक्ट और भी कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे झारखंड, बंगाल, इनमें भी बहुत ज्यादा गरीबी है। एक सेकेंड, अब इसके बाद कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, यहाँ पे दो फैक्टर दे रखे हैं, एक इकोनॉमिक फैक्टर, दूसरे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या दे रखे हैं कि इंडिया एक तो अंडर यूटिलाइजेशन करती है नेचुरल रिसोर्सेज की। तो इंडिया में फॉर एग्जांपल, इंडिया में ना कोल रिजर्व्स बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडिया में जो फाइनली प्रोडक्शन होता है ये बहुत कम होता है, ठीक है ना। इंडिया में शायद वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स है, समझे बात को। इंडिया के पास वर्ल्ड के फोर्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स हैं, लेकिन जो अमाउंट ऑफ कोल इंडिया प्रोड्यूस करता है वो बहुत कम करता है। उसका रीजन ये है कि इंडिया में सरकार की इतनी ज्यादा रेगुलेशंस हैं कि वो कोल को प्रोड्यूस होने ही नहीं देती है सरकार की रेगुलेशंस। इस वजह से इंडिया में कोल प्रोड्यूस नहीं हो पाता। अगर इंडिया में वेरी लो प्रोडक्शन ऑफ कोल, इससे क्या होता है कि इंडिया में फिर इंपोर्ट करने पड़ते हैं,
कोल बाहर से। अब इंडिया को अगर बाहर से कोल इंपोर्ट करना पड़ रहा है तो उसकी अलग प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जो इंडिया में खुद प्रोड्यूस कर सकती थी इंडिया, इंडिया के लोगों को जॉब्स वगैरह मिल सकती थी, वही सेम काम इंडिया को बाहर से करवाना पड़ रहा है, तो ऐसा कोई सेंस नहीं है ना। बाहर से इंडिया इंपोर्ट क्यों करे कोल को जब इंडिया खुद कोल मैन्युफैक्चर कर सकती है, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर कोल का बहुत लो प्रोडक्शन होगा तो कोल इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोल बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है उससे कोल की प्राइस बढ़ जाती है, समझ आई बात? कोई भी चीज अगर मार्केट में सप्लाई कम है तो उसकी प्राइस बढ़ने लगती है, तो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी भी फिर महंगी होने लग जाती है। तो कोल की तरह ही और भी बहुत सारी इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि इंडिया प्रॉपरली यूज नहीं करती है, जो पड़ी हुई है लेकिन हम उनको यूज नहीं कर पा रहे मोस्टली, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज हमेशा से इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव रही हैं कि हम उनको यूज नहीं कर पाए। उसके बाद इंडिया में बहुत ही आउटडेटेड टेक्नोलॉजी रही है और लैक ऑफ कैपिटल। जो टेक्नोलॉजी ज्यादातर हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं वो एकदम आउटडेटेड है, उससे इंडिया में जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी लो रहता है, ठीक है ना। अगर तुम मान लो बेटर टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो उससे तुम्हारे सुपीरियर प्रोडक्ट्स बनेंगे, उनको तुम अब्रॉड एक्सपोर्ट कर सकते हो, जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे उतनी ज्यादा इंडिया में जॉब्स क्रिएट होंगी, ठीक है ना। तो बेटर टेक्नोलॉजी हमेशा हर किसी के लिए बेनिफिशियल रहता है। तो क्योंकि इंडिया में एक तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, लैक ऑफ कैपिटल भी है इंडिया में। लैक ऑफ कैपिटल मतलब कि इंडिया एक कैपिटल डेफिशिएंट कंट्री है, समझे ना। इंडिया में जो जैसे पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ही कम है, तो जितना पैसा लोगों के पास होता है इन्वेस्ट करने को देश में बहुत कम है वो पैसा। तो जो बिजनेसेस इन्वेस्ट करते हैं, फैक्ट्री सेटअप करते हैं, नए नए प्लांट्स बनाते हैं, वो हमारे देश में उनकी बहुत कमी है। तो इंडिया में लैक ऑफ कैपिटल हमेशा से रहा है सिंस इंडिपेंडेंस, जिससे कि इंडिया में नई नई इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ पाती हैं, बहुत कम इन्वेस्टमेंट्स रह जाती हैं, तो उससे इंडिया में पॉवर्टी है। उसके बाद इंडिया में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, ये तो पता ही है तुम्हें। इंडिया में बहुत सारे अलग अलग टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट हैं, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। ये सब चीजें पता ही है तुम्हें। ओपन एम्प्लॉयमेंट मतलब कि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है नहीं। डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि लोग काम कर रहे हैं लेकिन कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, ये इंपॉर्टेंट टर्म है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये शायद पहले से पता भी होगा तुम लोग को। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है अगर मान लो कोई फार्म है उसमें जो प्रोडक्शन है कैन बी डन बाय 3 पीपल, लेकिन जो फैमिली है पूरी, मान लो एक्सटेंडेड फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली मान लो कितनी 10 लोगों की है, वो सारे लोग सिर्फ उसी फार्म पे काम करते हैं। फार्म पे एक जरूरत कितने लोगों की थी, खाली 3 लोगों की, लेकिन फार्म पे डिपेंडेंट कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। इसको हम बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर हमारी कुछ कुछ लेबर फोर्स है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बाद, तुम्हारा यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए उतने को नहीं मिल पाती है। फिर सीजनल एम्प्लॉयमेंट है,
सीजनल एम्प्लॉयमेंट, नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा कि मान लो जैसे सोइंग एंड हार्वेस्टिंग है ऑफ क्रॉप्स, उस टाइम पे पीपल है वर्क, कुछ लेबर जैसे लग गए लोग काम वाम कर रहे हैं, लेकिन अदर टाइम्स लोगों के पास कोई काम नहीं है। तो ये इस टाइप का सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है लोगों का। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है पॉवर्टी का कि लोगों के पास सालों साल काम नहीं है, लोग खाली महीने की तीन महीने, लोग साल में खाली तीन महीने काम कर रहे हैं, चार महीने काम कर रहे हैं, पांच महीने काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि लोगों के पास आधे से ज्यादा टाइम कोई काम ही नहीं है, खाली बैठे हैं लोग। तो ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट है। इसके बाद बैकवर्डनेस इन एग्रीकल्चर, एक तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि इंडिया में तुम्हें पता ही है 45% पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो कि एग्रीकल्चर जिससे पीछे हो जा रहा है इंडिया का, उससे पॉवर्टी आएगी देश में, ठीक है ना। ऑलमोस्ट आधे लोग देश में एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो अगर मान लो इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर है, मतलब कि फसल उगाने के लिए पानी की सप्लाई नहीं है, तो फार्मर्स जो हैं वो उनकी क्रॉप्स उग नहीं पाएंगे ढंग से, तो मार्केट में बेच नहीं पाएंगे, पैसे नहीं कमा पाएंगे। उसी तरह से फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं, ये सारी चीज़ें अगर फार्मर्स के पास नहीं है तो फार्मर्स की ना प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, वो कम क्रॉप्स उगा पाएंगे। इस वजह से एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी रह जाती है, ठीक है। और अगर वो क्रॉप्स ढंग से उगा नहीं पाएंगे तो वो अच्छे पैसे नहीं कमा सकते। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ा रीजन है कि ये सारी चीजों की कमी है इंडिया। उसके बाद इन्फ्लेशन भी बहुत बड़ा रीजन है। इन्फ्लेशन अगर देश में बहुत ज्यादा है, अगर हाई इन्फ्लेशन है तो देश के जो गरीब लोग हैं अगर ज्यादा इन्फ्लेशन है तो जितने भी गरीब लोग हैं उनको चीजों को खरीदने के लिए ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है, तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। हाई इन्फ्लेशन especially on food items, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा painful है। क्यों? क्योंकि जो सबसे गरीब लोग होते हैं वो अपना ज्यादातर जितना भी spending है वो food पे ही करते हैं, खाने पे। तो ये सबसे ज्यादा problem की बात होती है कि food items पे high inflation हो। उसके बाद अगला इकोनॉमिक फैक्टर है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। तो बहुत सारी इनइक्वालिटी होती है देश में इनकम की, ठीक है, मतलब देश की जो इंडिया के जो रिचेस्ट 1% ऑफ पीपल हैं वो कुछ 40-50% ऑफ टोटल वेल्थ को कंट्रोल करते हैं इन इंडिया, ठीक है ना। अलग अलग सर्वे में अलग अलग डेटा आता रहता है, कहीं कहीं तुम पढ़ोगे कि ये कंट्रोल करते हैं 55% ऑफ टोटल वेल्थ, कहीं कहीं दूसरे कोई सर्वे आएगा कुछ दिन बाद वो बोल देगा 60%, कोई तीसरा सर्वे बोल देगा 45%, ठीक है। तो सब अपना अपना कुछ कुछ एस्टिमेशन निकाल के देते रहते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है, तुम्हें समझ आना चाहिए कि जो रिचेस्ट 1% ऑफ द पीपल है वो इंडिया की बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ कंट्रोल करते हैं। तो जब इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है तो जो देश की बची हुई जनता है, जो बॉटम 50-60% जनता है, वो बहुत ज्यादा पॉवर्टी में रहती है, बहुत गरीबी में रहती है।
देश की अ मेजर पोर्शन ऑफ वेल्थ इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ टू फ्यू, मतलब बहुत कम लोग हैं, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ लोग हैं देश में जो कि पूरी देश की जितनी भी वेल्थ है उसको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया में दोनों टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर मिसिंग है, एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, ये सब मिसिंग है। उसके बाद इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिसिंग है जैसे कि पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब वगैरह मिसिंग है। तो क्योंकि इंडिया में ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे कि एजुकेशन नहीं है, अगर क्वालिटी एजुकेशन, तो जो गरीब लोग हैं वो पढ़ लिख नहीं सकते ढंग से, तो उनको कोई ढंग की जॉब वॉब नहीं मिल पाती कभी। फिर अगर हेल्थ केयर नहीं है तो अक्सर लोग अपना इलाज कराने के लिए बहुत ज़्यादा उन्हें स्पेंड करना पड़ता है, समझे बात को। फिर लोगों के पास अगर अच्छी हाउसिंग वगैरह नहीं है, घर ढंग से रहने की जगह नहीं है, तो वो भी लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, ट्रांसपोर्ट वगैरह, रोड अगर लोगों के पास नहीं है, लोगों के घर में बिजली वगैरह नहीं आ पा रही है, तो ये सब इश्यूज जो हैं ये भी काफी ट्रबल सम है और ये फिर पॉवर्टी को कॉज करते हैं। इसके बाद कुछ कुछ आते हैं हमारे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। अरे ये आर्यन कहाँ चला गया, एक सेकंड रुक जाओ, उसको भी आने दो, उसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे। हमने काफ़ी सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स अभी डिस्कस किए हैं जिनसे पॉवर्टी होती है देश में। अब कुछ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स डिस्कस करते हैं, जैसे कि रैपिड राइज इन पॉपुलेशन। तो जब लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जाती है उससे इंडिया की जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लैंड। लैंड में क्या होता है कि आज से 1970s में जो एवरेज साइज था लैंड का पर फैमिली वो था मोर देन 2 हेक्टेयर, ठीक है। अभी 2020 में अगर हम आ गए ऑलमोस्ट 50 साल बाद, तो जो एवरेज साइज है 1.08 हेक्टेयर है। तो लोगों के पास जितनी जमीन थी वो आधी हो गई है। तो अगर जमीन आधी हो गई है तो लोग उससे जो कमा सकते हैं, कमाई का जो पोटेंशियल है वो कम हो गया, ठीक है ना। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, जमीन कम क्यों जा रही है लोगों के पास, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती रहती है फैमिलीज डिवाइडेड होती रहती है ना। मान लो किसी कोई फैमिली है उसमें दादाजी हैं, दादाजी अपने टाइम पे, दादाजी के पास मान लो 3 हेक्टेयर लैंड था। अब जो तुम्हारे मान लो दादाजी हैं उनके 3 सन हैं, तो तीनों लड़कों के 1 हेक्टेयर जमीन हो गई, समझ आई बात। अब ये जो मान लो तीनों बेटे हैं जिनके पास अब 1 हेक्टेयर ईच है, अब ये भी आगे आने वाली जनरेशन में फिर फर्दर सब डिविजन होगा। मान लो अगले इनके 2 लड़के हो गए तो 1 हेक्टेयर से 0.5 हेक्टेयर ईच हो गया। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती रहती है जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं लोगों के पास वो कम होती जाती हैं। तो ये एग्जांपल में भी जो लैंड है वो लगातार कम होता जा रहा है, समझे बात को।
तो इंडिया की जो पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, ये भी एक फैक्टर है गरीबी का। वैसे 1960s और 1970s में इंडिया की ना काफी ज्यादा तेज पॉपुलेशन बढ़ रही थी। जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है वो लगभग 5 था। इसका मतलब कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर कपल, तो कोई भी माँ बाप के 5 बच्चे होते थे आज से 50 साल पहले। आज की डेट में ना TFR जो इंडिया में है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 2.2 के आसपास, 2.3 के आसपास कुछ है। तो आज की डेट में लोग का ऑन एन एवरेज लगभग 2 बच्चे रहते हैं। तो अब पॉपुलेशन ठीक रेट पे बढ़ रही है। पहले तो 5-5 बच्चे पैदा करते थे लोग, तो बहुत ज्यादा लैंड लोगों का बंटने लग गया। तो बहुत तेजी से पॉपुलेशन जो बढ़ती है वो भी प्रॉब्लम है देश की ग्रोथ में, उससे भी पॉवर्टी होती। उसके बाद सोशल फैक्टर्स, कुछ कुछ सोशल फैक्टर्स हैं जैसे कि इलिटरेसी है, जैसे कि बैकवर्डनेस एंड आउटडेटेड सोशल स्ट्रक्चर है। बैकवर्डनेस एंड आउटडेटेड सोशल स्ट्रक्चर से बोलना चाह रहे हैं कि जैसे देश में बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एक्सेट्रा, इनको अक्सर अलग रखा गया है, तो ये गरीब रहे हैं हमेशा से। तो ये एक सोशल फैक्टर है, समझे बात को? यहाँ पे यही बोलना चाह रहे हैं, विच इंक्लूड्स कास्ट सिस्टम। तो जो लोअर कास्ट रही हैं उनको हमेशा से डिप्राइव किया गया है बहुत सारे उनके राइट से, तो वो हमेशा से गरीब रहे हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि लोग अगर देश में इतनी ज्यादा गरीब हैं, इंडिया में इतनी ज्यादा गरीबी है, पॉवर्टी है, तो गवर्नमेंट कुछ कुछ मेजर्स लेती है पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, गरीबी हटाने के लिए। तो एक पॉपुलेशन कंट्रोल, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ये ऐसा करती हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल के कुछ कुछ मेजर्स लाती हैं। ठीक है, तो ये एक मेजर हो गया। यहाँ पे ये बता रखा है कि इंडिया में पहले जो स्पेशली आज से 50-60 साल पहले 1950s और 60s और 70s में लोग 5 बच्चे 6 बच्चे पैदा करते थे, उससे बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही थी। तो गवर्नमेंट कुछ कुछ स्टेप्स लाती है लेकिन उससे कुछ खास फायदा होता नहीं कभी। तो एज अ रिजल्ट तो इंडिया में बहुत ज्यादा गरीबी रही है। तो इंडिया में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जिससे कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से ना बढ़े। वैसे आज की डेट में अब पॉपुलेशन का कंट्रोल करने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑन एन एवरेज हर कोई 2.1, 2.2, 2.3 ये एवरेज है इंडिया में। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग एवरेज है। जो साउथ वाले स्टेट्स हैं उनमें तो बहुत ही कम है, 1.6, 1.7 वगैरह टोटल फर्टिलिटी रेट है। तो जो केरला और कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा वगैरह स्टेट्स हैं उधर बहुत ही कम है, या फिर पंजाब में भी टोटल फर्टिलिटी रेट काफी कम है। तो यहाँ पे ऑलरेडी लोग बहुत कम अब बच्चे पैदा कर रहे हैं। एंड मोर ओवर जो हमारा TFR होना चाहिए ये वैसे भी ना इसकी मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 रहनी ही चाहिए। मिनिमम वैल्यू 2 क्यों रहनी चाहिए टोटल फर्टिलिटी रेट में? क्योंकि कोई भी अगर मान लो 2 पेरेंट्स हैं तो दे शुड बी रिप्लेस्ड बाय 2 चिल्ड्रन। तभी तो किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट रहेगी। अगर 2 लोग हैं उनको रिप्लेस 2 लोग कर रहे हैं, समझ आई बात? तो टोटल फर्टिलिटी रेट 2 तो रहनी चाहिए। अगर तुम 2 से कम कर दोगे तो तुम्हारी पॉपुलेशन डिक्रीज होने लग जाएगी देश में। तो 2 से कम भी नहीं रहनी चाहिए टोटल फर्टिलिटी रेट, 2 से थोड़ी सी ज्यादा ही रहनी चाहिए, 2.1, 2.2, ये तुम्हारा आइडियल रेट रहता है TFR का।
उसके बाद गवर्नमेंट के कुछ और मेजर्स होते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे ऐसे ऐसे कुछ कुछ तरीके निकालती है जिससे कि गरीबों की हेल्प कर सके। बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब होता है कि अमीर लोगों से पैसा लो और गरीबों में बांटो। तो वो कैसे किया जाता है, टैक्सेस लगाकर। ये गवर्नमेंट क्या करती है, गरीब लोगों के लिए कुछ कुछ एम्प्लॉयमेंट के तरीके ढूंढती है, जैसे कि मैंने तुम लोग को बता रखा है मनरेगा। मनरेगा में तुम्हें पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये 100 days का पर ईयर एम्प्लॉयमेंट गारंटी करती है। ठीक है, और ये रूरल एरियाज में होता है, तो जितने भी गांव वगैरह हैं वहां पे लोगों को 100 दिन का काम सरकार देती है। कुछ भी टाइप का अनस्किल्ड वर्क है, मीनियल वर्क, मान लो गड्ढा खोदना है या सड़क बनानी है या कुआं खोदना है, इस टाइप का कोई काम है, तो वो मनरेगा में सरकार करवाती है लोगों को और उनको पैसे देती है। ठीक है, आज की डेट में शायद ₹202 पर डे है, एक बार ये मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन लास्ट मैंने पढ़ा था शायद 202 ही आज की डेट में। तो सरकार लोगों को 100 days काम कराएगी और रोज का ₹200 देगी। अगर मान लो सरकार काम नहीं ढूंढ पाती लोगों के लिए, तो लोगों को डायरेक्टली सरकार इतना पैसा देगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में मनरेगा लिखोगे तुम। उसके बाद कुछ कुछ जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो सरकार लोगों को दिलाती है, जैसे तुम्हें पता ही है PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इंडिया में लगभग 500,000 तुम्हारी PDS की शॉप्स हैं, या फिर PDS की आउटलेट्स बोल सकते हो, जहां पे जो गरीब लोग हैं उनको खाना बहुत सस्ते रेट में दिया जाता है। ठीक है, देश की 80 करोड़ जनता को ₹2 पर किलो वीट और ₹3 पर किलो राइस दिया जाता है। तो ये भी एक तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है ना, सरकार अमीरों से टैक्स लेती है, उससे सरकार ये सब फार्मर से खरीदती है और देश के गरीब लोगों को दे देती है। तो ये एक तरह से इसकी पूरी फंडिंग कौन कर रहा है, अमीर लोग कर रहे हैं ना टैक्स देके। उसके बाद बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत सारे लैंड रिफॉर्म मेजर्स लाती हैं, मतलब कि जो भी बड़े बड़े फार्मर्स हैं जिनके पास मान लो 25 या 30 हेक्टेयर जमीन है, उनकी सीलिंग लगा दी कि उनके पास 15 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं हो सकती, तो उनकी जमीन सरकार ले लेगी और वो गरीब लोगों में बांट देगी। अगला गवर्नमेंट का मेजर क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लाना देश में। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का क्या मतलब होता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का तुम्हें मतलब पता होना चाहिए कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे उनपे टैक्स रेट्स बढ़ रहे हैं। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एक बार मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, पहले बता रखा है, मान लो किसी की इनकम है साल की 6 lakh, उस पे जो इनकम टैक्स रेट लगता है वो 20% मान लो आज की डेट में, और जिसकी इनकम ज्यादा है मान लो जिसकी इनकम है 20 lakh, उस पे मान लो इनकम टैक्स तुम्हारा 30% लग रहा है। ठीक है, जिसकी 6 lakh इनकम है उस पे 20% इनकम टैक्स, जिसकी 20 lakh इनकम है उस पे 30% इनकम टैक्स। समझे बात को, तो ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है उन पे जो टैक्स लगाया जाता है वो भी बढ़ रहा है।
उसके बाद गवर्नमेंट कुछ कुछ देश में जो गरीब लोग हैं उन पे एक प्राइस फ्लोर वगैरह लगा देती है कि किसी भी चीज़ के दाम इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे कि फर्टिलाइजर्स वगैरह पे होता है, फर्टिलाइजर्स पे सरकार एक वो लगा देती है कि तुम्हें कंपनीज पे कि तुम्हें इतने रेट पे ही बेचना है, इससे महंगा नहीं बेच सकते। अगर फर्टिलाइजर सरकार ने बहुत महंगे कर दिए तो उससे क्या होगा, अगर महंगे फर्टिलाइजर मिल रहे हैं तो जो फार्मर्स हैं उनको फर्टिलाइजर महंगे में खरीदने पड़ेंगे, ठीक है, तो उनकी फिर इनकम कम हो जाएगी ना। उसी तरह से अगर फर्टिलाइजर्स महंगे में वो खरीद रहे हैं फार्मर्स, तो फिर क्रॉप्स भी तुम्हारे महंगे हो जाएंगे, अनाज भी तुम्हारा महंगा मिलेगा मार्केट में, तो उससे जो लोग गरीब लोग हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो सरकार को प्राइस फ्लोर सेट करना पड़ता है। फिर सरकार कुछ कुछ एक्ट लाती रहती है जिससे कि वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज कर सकती है, ठीक है। जैसे कि रिजर्वेशंस रहते हैं अक्सर गवर्नमेंट जॉब्स में या गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो इससे गवर्नमेंट अक्सर एम ये करती है कि जो भी देश के ऑप्रेस्ड या डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उनको भी हम चांस दे सकें जैसे कि वो भी आगे बढ़ पाए। तो रिजर्वेशन एक सरकार का हमेशा से मेजर रहा है फॉर रिमूविंग पॉवर्टी। अच्छा, क्लास का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, मैं दूसरी लिंक भेजता हूँ, ज्वाइन करो।